सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर विभूति भूषण प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग एसएनएस आरकेएस कॉलेज सहरसा आपका स्वागत करता है। मैं पिछले व्याख्यान में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बता रहा था, उसकी विदेश नीति में वैवाहिक संबंधों का महत्वपूर्ण स्थान था। वो खुद नागवंश में नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया था, जिससे एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम प्रभावती गुप्ता था। प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया गया था। वाकाटक लोग महाराष्ट्र में शासन करते थे, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में शासन करते थे, और ये क्षेत्र गुप्तों के लिए काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके उत्तर में गुजरात और काठियावाड़ा क्षेत्र में शक लोग शासन करते थे, और इन शकों को पराजित करना गुप्तों के लिए अति महत्वपूर्ण था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटकों के साथ किया था। विवाह प्रभावती गुप्ता के साथ रुद्रसेन द्वितीय का जो विवाह हुआ था, उसके कुछ दिन पश्चात ही रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसका दो पुत्र था जो अवयस्क था, जिसके कारण संरक्षिका के रूप में प्रभावती गुप्ता शासन कर रही थी। और प्रभावती गुप्ता के शासनकाल में वाकाटकों का शासन का संपूर्ण संचालन गुप्त शासकों द्वारा किया जाता था, और इसी काल में शकों पर आक्रमण कर और उसे अपने अधिकार में किया था। शकों पर तो समुद्रगुप्त ने भी आक्रमण किया, उसे अपने अधीनता स्वीकार कराई थी, लेकिन उसका उन्मूलन नहीं किया गया। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन शकों को हराकर उसका साम्राज्य समाप्त कर दिया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसकी पुष्टि कई अभिलेखों और सिक्कों से भी होती है।
फिर उसके बाद एक वैवाहिक संबंध कदम्ब राजवंश के साथ भी किया गया था। कदम्ब राजा काकुत्य वर्मण की पुत्री का विवाह किसी गुप्त राजकुमार के साथ किया गया था, ऐसा कदम्ब अभिलेखों में वर्णन मिलता है। और काकुत्य वर्मण चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, इसलिए इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः ये जो कदम्ब राजकुमारी का विवाह गुप्त राजकुमार से हुआ था, ये राजकुमार संभवतः कुमारगुप्त था। और कदम्ब लोग कुंतल क्षेत्र अर्थात कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। ये दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था जिसपे वैवाहिक संबंध के पश्चात उसे अपने विश्वास में लिया था। एक वर्णन में मिलता है कि कालिदास कदम्ब राज दरबार में गया था और वहां से लौटने के पश्चात ऐसा बताता है कि कदम्ब शासक चंद्रगुप्त द्वितीय पे अपने राज्य का शासन के कार्यभार छोड़कर भोग विलास में लिप्त हो गए हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त लोगों का कदम्ब साम्राज्य पर अधिकार प्राप्त हो गया था। इस तरह चंद्रगुप्त ने तत्कालीन समय के महत्वपूर्ण तीन राजवंशों को वैवाहिक संबंध द्वारा अपने पक्ष में किया था, जिससे कई राजनीतिक फायदा भी उठाया। माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन शक राजा रुद्र सिंह तृतीय था, जिसे वाकाटकों
से सहायता प्राप्त करते हुए इसे हरा कर इसे मार डाला और इसके साम्राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। जिसकी पुष्टि कई अभिलेखों और उसके सिक्कों से भी होती है। उदयगिरी से प्राप्त अभिलेख में शक और गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के युद्धों का वर्णन मिलता है, जिसमें शक शासक पर गुप्त शासकों का आधिपत्य होने का उल्लेख है। गुजरात काठियावाड़ा आदि क्षेत्रों से कुछ रुद्र सिंह तृतीय के सिक्के प्राप्त होते हैं, जिसपे चंद्रगुप्त द्वितीय ने पुनर अपना लेख अंकित कर इसे उन क्षेत्रों में चलाया था। ये भी शकों के ऊपर चंद्रगुप्त द्वितीय के अधिकार की पुष्टि करता है। माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन्हीं शकों के हराने के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, क्योंकि ये जो उपलब्धि थी कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं थी। हम देख चुके हैं कि यदि चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं होता तो संभवतः रामगुप्त के समय ही गुप्त साम्राज्य शकों के अधीन हो गया होता। शक लोग गुप्तों के लिए कई बार संकट उत्पन्न कर दिया था, इसलिए इसे हराना और इस पे अधिकार प्राप्त करना परम आवश्यक था। और ये चूंकि एक शक्तिशाली शासक था, इसलिए ये कार्य बड़ा ही कठिन था। और इस कार्य में सफलता के पश्चात उत्साहित होकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में उदयगिरी गुहा लेख में संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला वाक्यों से संबोधित किया गया है, यानी कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय एक प्रतिभाशाली और कुशल प्रशासक था, जो पश्चिम में शकों को हराने के पश्चात इसका साम्राज्य समुद्र तट तक जा मिला था पश्चिम में। और चूंकि उन्हीं क्षेत्रों में
भृगु कक्ष नामक एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, जहां से विदेशी व्यापार किया जाता था। और जब शकों पे आधिपत्य हुआ तो ये भृगु कक्ष बंदरगाह गुप्तों के अधीन आया, और ये इसके द्वारा गुप्त लोग पश्चिमी देशों के साथ व्यापार सुगमता पूर्वक स्थापित कर आर्थिक रूप से साम्राज्य को मजबूती प्रदान किया। इन्हीं सब कारणों से शकों को गुजरात और काठियावाड़ा क्षेत्र से हराना परम आवश्यक था। इसके साथ ही मैं अपना व्याख्यान ही समाप्त करता हूँ। इसके आगे की चर्चा मैं अपने अगले व्याख्यान में करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।